प्रदेश के मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट माता सीता सर्किट को लेकर रविवार को सर्किट हाउस पौड़ी में श्री सूर्य नारायण बाबुलकर महाधिवक्ता मान्य उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल अध्यक्ष माता सीता लोक न्यास ने पौड़ी विधायक मुकेश कोहली जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे एवं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पौड़ी विधायक कोहली एवं जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे ने महाधिवक्ता अध्यक्ष माता सीता लोक न्यास श्री एस.एन बाबुलकर को योजना के बारे में सुझाव व जानकारी दी। अध्यक्ष माता सीता लोक न्यास श्री एस.एन बाबुलकर ने कहा कि सीता सर्किट के विकास को लेकर सरकार द्वारा माता सीता लोक न्यास की स्थापना की गई है और समिति बनाई गई जिसमें अभी और सदस्यों को जोड़ा जाना है। सीता सर्किट का विकास केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से पूर्ण किया जाना है। कहा कि माता सीता सर्किट के डेवलप होने के बाद धार्मिक मान्यता के साथ साथ पर्यटन में भी इसका महत्व बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि माता सीता की स्मृतियों से संबंधित प्राचीन स्थलों को विकसित किया जाएगा, साथ ही सीता सर्किट में पड़ने वाले क्षेत्रों का भी विकास किया जाएगा। ऐसे अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे विकास के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हों। मंदिर पुनर्निर्माण का कार्य प्राचीन पहाड़ी नागर शैली के अनुरूप किए जाने पर बल दिया जाएगा। सीता सर्किट को विकसित करने का उद्देश्य लोक मान्यता व आस्था को बरकरार रखने के साथ साथ पर्यटन एवं तीर्थाटन को बढ़ावा देना है। धार्मिक दृष्टि और पर्यटन दोनों की दृष्टि से जो है इसकी बहुत मान्यता हो जाएगी जब सीता सर्किट डेवलप हो जाएगा और जितने प्राचीन स्थल हैं सीता जी की जहाँ स्मृतियां जुड़ी हुई हैं उन सब का विकास किया जाएगा और इसके साथ ही साथ उससे लगे हुए जो गांव हैं और जो उन वहाँ जो है ऐसे अवसर भी जो है उपलब्ध कराए जाएंगे कि लोगों को जो है रोजगार मिल सके। मतलब वो एक एक सूतो फर्क पड़ दो तो जो प्राकृतिक नियम